हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देयर ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि जब भी लॉगरिथम या फिर लॉग वाला फंक्शन दिया है तो कैसे डिफरेंशिएट करना है उस फंक्शन को। एंड आज जो हम लोग इस वीडियो में पार्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये डिफरेंशिएशन जैसे हम लोग टाइप वाइज पढ़ रहे थे ये एक कंसेप्ट है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाओगे तो आप खुद ब खुद इस कंसेप्ट का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सिंपलीफाई करके उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये कंसेप्ट है, इसका एप्लीकेशन खुद ब खुद आपको जैसे आपको धार मीन्स आपका शार्पनेस बढ़ते जाएगा इसमें कमांड बढ़ते जाएगा आप खुद ब खुद इसमें कमांड जब पूरा हो जाएगा आपका तो आप किसी भी क्वेश्चन में इसका यूज करके आप उस क्वेश्चन को और भी सिंपलीफाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड आपको समझने का पूरा आपको बेस्ट देना होगा तभी आप समझ पाओगे वरना आप नहीं समझ पाओगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ एंड बहुत ही ध्यान से हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे लॉग के प्रॉपर्टीज को। बेसिकली इसका क्वेश्चन डायरेक्ट देता है एंड देयर आर सम क्वेश्चंस तो हम लोग शायद इसको बनाए उसके बाद हमारा डाउट या फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं बस एक ही सजेशन दूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना पाए बनाइए और अपना डाउट जो भी हो आप बताओ मेरे को बट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाओ और अपना कंसेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर करें। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देखा था y बराबर log ax स्क्वायर प्लस px प्लस c। यहाँ पे कोई भी log का कंसेप्ट नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बस पीछे वाला बता रहा हूँ जो मैंने log वाला फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है वो बताया था। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग log है और ब्रैकेट के अंदर कुछ दिया हुआ है तो ये क्या है log वाला फंक्शन हो गया। तो मैंने क्या बोला मेरे को निकालना क्या है डिफरेंशिएशन निकालना है dy by dx। मैं कभी इसका एक और कहानी बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा dy by dx निकालना है या dx by dy निकालना है तो वो किसी और एक वीडियो में बताऊंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा मजा आएगा समझने में। तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना है ये फंक्शन दिया हुआ था निकालना है dy by dx dy dx दोनों तरफ लगा दिए। अब क्या करना है तो हम लोग मैंने आपको बताया था कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x तो यहाँ पे x के जगह जो भी दिया रहे पहला क्या हो जाएगा 1 by वो यहाँ पे x के जगह क्या दिया हुआ ax square plus bx plus c तो 1 by ax square plus bx plus c और जो भी ब्रैकेट के अंदर लॉग के बाद जो भी ब्रैकेट है 1 by वो इनटू जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लॉग के अंदर जो ब्रैकेट था 1 by वो ब्रैकेट वाला इनटू अंदर में क्या है तो ax स्क्वायर या bx plus c या उतना भी नहीं याद रहता तो जो नीचे में 1 by जो है उसको एक बार फिर से आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या हो जाएगा dy by dx बराबर 1 by ax स्क्वायर plus bx plus c इनटू इसको हम लोग तोड़ेंगे तीन अलग अलग टर्म दिया हुआ है तो तीनों का डिफरेंशिएट करेंगे तो पूरे टर्म का निकल जाएगा डिफरेंशिएशन का वैल्यू। तो dy dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ bx प्लस dy dx ऑफ c क्या हो जाएगा dy by dx हमारा dy by dx बराबर 1 by ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू यहाँ पे एक कांस्टेंट है ए को हम लोगों ने बाहर कर दिया x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x b कांस्टेंट है b को बाहर कर लिया हम लोगों ने x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy dx उसका वैल्यू 1 होता है और c कांस्टेंट है उसका वैल्यू जब भी डिफरेंशिएट किया जाएगा वो 0 होगा। तो dy by dx हमारा फाइनल आएगा क्या 1 by ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c into 2ax plus x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का वैल्यू 1 होता है तो b क्या हो जाएगा 2ax plus b by ax square plus bx plus c। तो अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक में प्रॉब्लम है प्लीज बेसिक पे फोकस करिए वरना बहुत ही प्रॉब्लम होने जा रहा है इन सारी बातों को समझने का।
तो यहाँ पे अभी कोई भी प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया गया, ये सिंपल मैंने जानबूझ के आपको बताया ताकि थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाए। देखिए log x स्क्वायर प्लस 2x, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग बना लेंगे, क्या हो जाएगा 1 by x स्क्वायर प्लस 2x into d by dx of, अंदर में क्या है x स्क्वायर प्लस 2x, तो d by dx of x स्क्वायर प्लस 2x, फिर दोनों का डिफरेंशिएशन करिए, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 by x स्क्वायर प्लस 2x। चलिए जल्दी से एक बार हम लोग इसको देखते हैं, y बराबर log x स्क्वायर प्लस 2x, तो मैंने क्या कहा log के अंदर क्या है ब्रैकेट में x स्क्वायर बाय 2x, x स्क्वायर प्लस 2x, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा पहला स्टेप 1 बाय जो भी ब्रैकेट के अंदर है x स्क्वायर प्लस 2x। अब जो भी ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग क्या करेंगे, या फिर 1 बाय के नीचे जो भी है उसको एक बार फिर से हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा ये 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2x इनटू, इसको क्या लिखेंगे हम लोग dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ 2x, क्या हो जाएगा हमारा फाइनल वैल्यू dy बाय dx का डिफरेंशिएशन करके वैल्यू क्या निकल जाएगा dy dx of x square क्या हो जाएगा 2x plus 2x का क्या हो जाएगा 2 constant है बाहर आ गया, dy dx of x क्या हो जाएगा value 1, तो final answer हमारा जो आएगा क्या होगा 2x plus 2 by x square plus 2x, यहां से आप चाहो तो 2 common लेके लिखो इसको x plus 1 by x square plus 2x, so this is what we got the value by differentiating this term this function y which was log x square plus 2x, ठीक है ना, so basic concept था ये। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने simple क्या किया log का जैसे differentiation किया जाता है उस procedure को follow किया and value हम लोगों को मिल गया, but अब क्या है कुछ properties को हमें समझना होगा and इस properties को जब समझ जाएंगे तो question बनाने में थोड़ा सा और मजा आएगा, तो चलिए लिख ले टॉपिक लिख लेना है आज का प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, और पहला प्रॉपर्टी समझने का कोशिश करते हैं ध्यान से एकदम समझना है बारीकी से बहुत ही, y बराबर जब भी लॉग कुछ ऐसा दिया हुआ है x का पावर n, मतलब क्या लॉग के बाद ब्रैकेट है और उस ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसका कुछ पावर दिया है, हम लोग यहाँ पे n एज्यूम कर रहे हैं, तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या बोलता है भाई साहब, हम पहले तुमको अभी डिफरेंशिएट नहीं करवाएंगे, अभी तुम खुद ब खुद और सिंपल होना तेरा भी बाकी है, तुमको अभी और सिंपलीफिकेशन या तुम में अभी और थोड़ा सा तुम अभी जटिल हो कॉम्प्लेक्स हो थोड़ा सा और सिंपल हो जाना, वो क्या बोलता है ये जो पावर है हम तुमको कैसे सिंपल करेंगे बाय टेकिंग आउट दिस पावर आउट ऑफ दिस फंक्शन, तो ये जो n है n बाहर आ जाएगा एंड क्या बच जाएगा हमारा x, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है हमारा लॉग के अंदर में जो भी टर्म है अगर उसका कुछ भी पावर है वो पावर क्या होता है बाहर निकल के उस टर्म के मल्टीप्लाई उस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है, सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिर से समझिए ध्यान से समझिए बात को समझना है बारीकी से, लॉग है कोई अंदर में कुछ भी टर्म दिया उसका होल का पावर दिया हुआ है, जो भी पावर है जब भी पावर रहेगा तो वो मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में। चलिए जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं, y बराबर log root under 1 minus x square, ध्यान से समझना बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, क्या हो जाएगा dy by dx हमारा, तो अभी dy by dx निकालने से पहले हमको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जामाइन करना होगा कि अभी क्या ये सिंपलेस्ट या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी भी लगेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे रूट अंडर जो भी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1 बाय 2, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था रूट अंडर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 बाय 2 पावर के रूप में, और अगर क्यूब रूट रहे तो 1 बाय 3, अगर nth रूट रहे तो 1 बाय n के फॉर्म में। अब क्या है अब थोड़ा बारीकी से समझिए प्रॉपर्टीज यहाँ पे अभी लगे, अभी क्वेश्चन में dy by dx हम लोगों ने नहीं निकाला है,
अभी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करने वाले हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था कि अगर अंदर में कुछ पावर रहे, तो पावर क्या है यहाँ पे 1/2, तो पावर क्या होता है बाहर आ जाता है मल्टीप्लाई में, तो 1/2 पावर था मल्टीप्लाई में आ गया। क्वेश्चन हमारा अब क्या बच गया, लॉग 1 - x2, मतलब ये क्वेश्चन खुद ब खुद सिंपलीफाई हो गया थ्रू दी कंसेप्ट या फिर थ्रू दी एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अब बात समझिए, अब हमको निकालना होगा dy by dx, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ 1/2 इनटू log 1 - x2। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, क्या बच जाएगा dy dx ऑफ log 1 - x2। अब फिर आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, क्या d by dx of log इतना का डिफरेंशिएशन हम कर पाएंगे या नहीं। अगर कर पाए तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं कर पाए तो फिर से आपको मेहनत करने का जरूरत है, फिर से लास्ट वीडियो को देखिए जाके। log कुछ भी रहे तो क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन 1/ वो वाला, और फिर जो भी 1/ जो भी नीचे में उसको क्या करते हैं हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 1 - x2 को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फाइनल वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 1/2 इनटू 1/1 - x2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विल बी 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ -x2, माइनस को हम लोगों ने लिख दिया, x2 को सेम एज इट इज 2x, तो 0 - 2x क्या हो जाएगा -2x, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 इनटू 1/1 - x2 into -2x। ध्यान से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा -x/1 - x2। सो दिस इज द व्हाट वैल्यू ऑफ dy by dx, तो क्वेश्चन में सिंपली आपको ये दे देगा, तो अब आपको दिमाग लगाना होगा कि भाई साहब लॉग तो है, अब क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे या नहीं, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे या नहीं ये तभी आप पता कर पाओगे या बना पाओगे या समझ पाओगे जब आपको थोड़ा सा इफिशियंट रहोगे, बहुत सारे क्वेश्चन मजेदार बना लिए होंगे तभी समझ में आएगा ये सारी बात। तो पहला चीज आपको देखना है लॉग है, फिर आपको तुरंत दिमाग में रिकैलकुलेट करना है कि हाँ क्या क्या था प्रॉपर्टीज में, कुछ ऐसा था कि जब पावर रहे, फिर और जो भी जो प्रॉपर्टी बताऊंगा तो सारे प्रॉपर्टी को तुरंत वहां पे चेक करना लगेगा यानी, फिर उसके बाद dy by dx का वैल्यू निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे जल्दी से। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था, क्या था प्रॉपर्टी कि जब भी पावर रहे, पावर लॉग का अंदर वाले का कुछ पावर दिया रहे, वो पावर बाहर में आ जाता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मल्टीप्लाई हो जाता है उस पूरे टर्म से। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आप ही के लिए है, थोड़ा सा भरोसा रखना है, मैं ये सब आप ही के लिए कर रहा हूँ, कुछ प्रॉफिट नहीं होता है YouTube में, बट मजा आता है, पैशन है पढ़ाना, तो थोड़ा सा आप ध्यान पेशेंस रखें और पढ़ें मजे में, आई होप कि आपको भी मजा आता होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, y बराबर log रूट अंडर x+1 / x-1। अब ध्यान से देखिए, अंदर वाले को एग्जामिन करना है, लॉग के बाद जो भी अंदर वाला टर्म है उसको आपको ध्यान से देखना है कि वहां वो बताएगा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगा या नहीं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x+1 / x-1 का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, रूट अंडर है तो होल का पावर 1/2। प्रॉपर्टी क्या कहता है लॉग का कि ये जो पावर है वो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो अब बस आपको अंदर वाले को देखना, वही बताएगा कि सिंपली डिफरेंशिएशन करना है या फिर थोड़ा प्रॉपर्टी का यूज करके सिंपलीफाई करके तब डिफरेंशिएशन करना है। तो dy by dx हमारा अभी भी y एक स्टेप और सिंपल कर लेते हैं, 1/2 into log x+1 / x-1 ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y बराबर 1/2 इनटू log, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आता है जो आपको नोट डाउन करना है, दूसरा प्रॉपर्टी आता है वो है डिवीजन वाला प्रॉपर्टीज। पहला क्या था कि अगर log के अंदर वाले का कुछ भी पावर रहे तो वो पावर क्या होता है
बाहर मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब दूसरा प्रॉपर्टी है लॉग का अंदर में, अगर कोई भी दो चीज डिवीजन के फॉर्म में रहे वो दोनों दो लॉग में बढ़ जाता है, और क्या हो जाएगा, लॉग पहला वाला यहाँ पे लॉग ऊपर में क्या है, तो लॉग एक्स प्लस वन है, तो लॉग एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स माइनस वन। फिर से ध्यान से समझिए, अगर कोई भी दो लॉग वाला, लॉग के अंदर वाला कोई भी दो टर्म है डिविजन के फॉर्म में, तो वो टूट जाएगा लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला। तो अभी तक दो प्रॉपर्टी यूज हुआ, ये दूसरा प्रॉपर्टी है तो कहीं भी लिख लेना है। मैं इस क्वेश्चन को बताने के बाद थोड़ा और इसको अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे क्या था, लॉग का अंदर वाला अभी भी डिविजन के फॉर्म में, तुरंत समझ जाना प्रॉपर्टी लगेगा लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, लिख दिया हम लोगों ने। अब और कुछ नहीं लग सकता, लॉग इतना है लॉग इतना है, इसका पावर भी नहीं है या फिर कुछ मल्टीप्लाई डिविजन में नहीं है, तो हम लोग सिंपली अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, वन बाई टू इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस वन, हमारा ये हो जाएगा मेन। अब सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू तो बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वन, लॉग एक्स प्लस वन वन बाई एक्स प्लस वन इन टू, नीचे में एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस वन बाय एक्स माइनस वन इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये, वन बाई टू इन टू वन बाय एक्स प्लस वन इन टू, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन और वन का जीरो, तो वन बाय एक्स प्लस वन इन टू वन तो वही रहेगा, माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से वन माइनस वन का जीरो, तो इतना इन टू वन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके वन बाय टू इन टू वन बाय एक्स प्लस वन माइनस वन बाय एक्स माइनस वन। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, नीचे में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ऊपर में एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन, तो वन बाय टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो 1 by 2 into minus 2 by x square minus 1, तो 2 2 cancel minus 1 by x square minus 1। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि सारा यहाँ के बाद क्या हो गया, बेसिक हो गया, बट यहाँ पे प्रॉपर्टीज कहाँ पे लगा, प्रॉपर्टीज पार्टिकुलरली सिर्फ दो जगह लगा, या दो प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी लगा, पहला पावर में था तो वो पावर बाहर में आ गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, दूसरा लॉग के अंदर वाला दो चीज डिवीजन के फॉर्म में था, तो जो डिवीजन के फॉर्म था वो बट गया लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, फिर सिंपली डिफरेंशिएशन है लॉगरिथमिक वाला डिफरेंशिएशन। सो आई होप कि आप उसको बना लिए होंगे एंड इसको ये फिर समझ में आ गया होगा, अगर आप लॉग वाला डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर किए होंगे, अगर नहीं हो पाया तो देन प्लीज जाके उसको और अच्छे से क्लियर करें। चलिए एक बार फिर से आप प्रॉपर्टीज में समझिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को मेरे को बाद में बताना था बट मैंने पहले बता दिया, तो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज है कि अगर लॉग का अंदर वाला कोई भी दो चीज, सपोज करिए ए और बी है, डिवीजन के फॉर्म में रहे, तो लॉग क्या बोलता है, हम तुमको सिंप्लीफाई करेंगे किस फॉर्म, तो लॉग ए लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, तो यहाँ ऊपर वाला ए है और नीचे में बी है तो लॉग बी, ठीक है ना। तो वहां पे क्या था हमारा, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये था क्वेश्चन हमारा, वन प्लस एक्स बाय वन एक्स माइनस वन, ये था। तो वही मैंने यहाँ पे क्या बताया था, लॉग ऊपर में टूट जाएगा, लॉग वन प्लस एक्स माइनस लॉग x माइनस वन,
तो ये प्रॉपर्टीज है, दूसरा प्रॉपर्टीज आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और इस प्रॉपर्टीज को लिखने के बाद फिर से उस क्वेश्चन पे जाइए और फिर से बनाने का और समझने का कोशिश कीजिए। एंड आई होप कि फिर शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो गया हो जाएगा, अगर कोई भी डाउट भी रहे तो भी वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, आपको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है, log 1 plus x square by log 1 minus x square। तो मैं सिर्फ इसका प्रॉपर्टीज लगा के बता देता हूँ, फिर आप सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट खुद से करना। ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज लगने के बाद, log का प्रॉपर्टीज लगने के बाद log ऊपर वाले में टूटेगा, तो log ऊपर वाले यहाँ पे क्या है 1 plus x square, और माइनस log नीचे वाला, तो नीचे वाला क्या है 1 minus x square। तो ये हमारा टूट के आ गया। अब सिंपली यहाँ पे देखिए, होल का पावर कुछ नहीं है, होल का पावर नहीं मतलब कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगी है, तो सिंपली अब आपको एज इट इज डिफरेंशिएट कर देना है, जैसे हम लोग सिंपली लॉग का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 1 by 1 plus x square into एक 1 plus x square का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। मैं आंसर बता देता हूँ, आप बना लेना, एंड आई होप नहीं बनेगा तो बताना, मेरे से कमेंट कीजिएगा, हम फिर बताएंगे आपको। इसका हो जाएगा 1 by 1 plus x square, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x square का 2x, माइनस 1 by 1 minus x square into 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस x square का माइनस 2x। तो हम लोग यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा 1 by 1 plus x square माइनस 1 by 1x square। तो क्या हो जाएगा, 2x बाहर आ गया, 1 plus x square into 1 minus x square, यहाँ पे 1 minus x square आएगा, माइनस 1 plus x square। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x into 1 minus x square, और यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर, 1 minus 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x square by 1 minus x to the power 4। तो 4 minus 4x का power 3 by 1 minus x का power 4। तो ये शायद आंसर आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, अगर कुछ और आएगा तो मेरे को बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, या नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे मूव करते हैं, जो कि है थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, मेरे को पता नहीं कितना मिनट हो गया, बट जल्दी ही खत्म अब कर देते हैं। y बराबर जब भी log रहे, और वहां क्या था, डिवीजन था, यहाँ पे कोई भी दो चीज दो टर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे, तो log क्या बोलता है, हम तुमको सिंपल करेंगे और तुमको तोड़ देंगे log, यहाँ भी पहला वाला प्लस log दूसरा वाला। वहां क्या था, ध्यान से समझिए, y इक्वल टू log, कोई भी दो चीज डिवीजन में था, तो मैंने क्या कहा था, log ऊपर वाले में टूटता है माइनस log नीचे वाले में, यहाँ भी दो log में बट रहा है, log पहला वाला प्लस log दूसरा वाला, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा, यही प्रॉपर्टीज है। थोड़ा सा क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर होगा हमारा कुछ क्वेश्चन, जैसे कि y बराबर log x plus 1 into x minus x plus 2। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ पे, दो चीज मल्टीप्लाई में log के अंदर वाले को एग्जामिन करना है, क्या उसका कुछ पावर है, या कोई वहां दो चीज मल्टीप्लाई में है, या क्या वहां कोई भी दो चीज डिवीजन के फॉर्म में है, वहां log के ब्रैकेट के अंदर वाले को अच्छे से एग्जामिन करिए आप, क्या यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हाँ अंदर में कोई भी दो चीज है, दो टर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये क्या होगा, टूटेगा log, पहला वाला जो पहला वाला टर्म है, तो यहाँ x plus 1, तो log x plus 1, प्लस log दूसरा वाला टर्म, तो log x plus 2, ठीक है ना। अब क्या निकालना है मेरे को, डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, log इतना का डिफरेंशिएशन, या फिर डायरेक्ट एक स्टेप और कर देते हैं हम लोग, dy/dx of log x plus 1 plus dy/dx of log x plus 2, ठीक है ना। dy/dx
dx ऑफ लॉग इतना, तो क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन प्लस लॉग इतना का क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू। ध्यान से देखते हैं और समझते हैं और अच्छे से, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का तो 0, तो 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, 1 बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और 2 का 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 इंटू इतना 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू 1 बाय एक्स प्लस टू इंटू 1, तो यही रहेगा। इसको और सिंप्लीफाई करिए, अब हम लोग एलसीएम लेके एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस 1 क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो मैं थोड़ा आपको इसलिए बेसिक नहीं बता रहा, एलसीएम लेना आप बताऊंगा या फिर लॉग का बताऊंगा, डिफरेंशिएशन करना तो कोई फायदा नहीं रहेगा, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा मिनट होता है आप लोग ही फिर कमेंट में बहुत ही अच्छा अच्छा बात करते हो, वो अच्छा नहीं फील होता है, तो इसलिए ज्यादा अगर वो भी हो गया हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, दुआ दे बद्दुआ ना दे, क्या करेंगे बद्दुआ लेके, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को क्लियर करिए खुद से, अगर मैं सारा चीज आपको बताऊंगा कि एलसीएम यहाँ लिए फिर ये किए या फिर ऐसे लॉग का फिर से डिफरेंशिएशन, तो वो 5 वीडियो जो मैंने पहले बताया है या फिर लॉग का पहले बताया था उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप लोग ये थोड़ा सा बेसिक पे ज्यादा मेहनत करो, इसलिए मैं इतना लेट लेट वीडियो डालता हूँ कि आप लोग खुद से बेसिक पे कर रहे होंगे मेहनत, नहीं कर रहे हैं देन प्लीज कीजिए, तब मजा आएगा पढ़ने में इकोनॉमिक्स, खास करके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना ऊपर जाएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखें एंड वी विल सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो, तो हम लोग का लॉग का ही कंटिन्यू रहेगा, एक और वीडियो बनेगा तो शायद और मजा आए आपको। तो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए, कोई भी डाउट हो कुछ भी सजेशन हो आप कमेंट करें, आपको कुछ भी लगता है चेंजेस आना चाहिए देन आप बता सकते हो। सो टेक केयर एंड बाय।